नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो त्योहारों के बाद चुनावी हलचल फिर एक बार तेज हो चली है, क्योंकि चुनाव की तारीख नजदीक है। अब समय ज्यादा बचा नहीं है, ऐसे में घोषणाओं की बौछार हो रही है। सभी राजनीतिक दलों ने एक के बाद एक अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं और आज एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल आजसू ने भी अपना संकल्प पत्र घोषित कर दिया है। इसमें आजसू ने 9 संकल्प और 30 गारंटी जनता के सामने रखी है। इससे पहले भाजपा ने अपने 25 संकल्प और इंडिया गठबंधन ने अपने 7 गारंटियां जनता के सामने रखी थी। बहुत से वादे हैं जो इन राजनीतिक दलों ने पेश किए हैं, लेकिन चुनाव है, लोकतंत्र के तहत फैसला जनता को ही करना है। लेकिन जनता से किए गए वादे, ये घोषणाएं कितना प्रभाव डालेगी, वोट की रेस में कौन जनता को साधने में सफल होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आज कुछ खास मेहमान हमसे जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर बने हुए हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी से राजश्री जयंती बनी हुई है। राजश्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और साथ ही आजसू से वीणा कुमारी बनी हुई है। वीणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत कमल ठाकुर जी आपसे करेंगे। जैसे कि एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं, पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद इंडिया ने और अब आजसू ने 9 संकल्प लिए हैं। क्या लग रहा है कि एक वोट 7 गारंटी पर 9 संकल्प भारी पड़ सकता है? देखिए हाँ जी, बीजेपी या उनके सहयोगी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। कांग्रेस जी, बीजेपी और सहयोगी, आपको मैं एक तथ्य बता देता हूं इनके संकल्प के बाद। जब से बीजेपी के शासन है, करीब देश में 11 साल 10.5 साल हो गया, और प्रत्येक 20 राज्यों में जहां जहां उनकी सरकारें रही हैं और हैं, करीब 55,000 से 60,000 संकल्प इन्होंने लिया है अभी तक। और उन 55-60 हजार संकल्पों का क्या हुआ, कौन से कचड़े में फेंका गया, देश की जनता खोज रही है। तो इनके संकल्प में कोई जान नहीं है, ये संकल्प लेते रहते हैं क्योंकि इनको जुमला करना है, झूठ बोला है। संकल्प जो लिए है, क्या उस मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ेंगे? क्या वही मुद्दा रहेगा इन लोगों का? नहीं रहेगा। इनका मुद्दा जो है, फिर घूम फिर के हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, यही आने वाला है। इनका संकल्प पत्र जो है ढकोसला है। वो मुझे तो लगता है कभी कभी कि इनका संकल्प जो है रास्ते पर चलता हुआ जनता का जो विचार होता है उससे विपरीत है। जनता चाहती है कि संकल्प वो है जिसमें जनता के भले का काम हो। कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां दी है वो टेस्टेड है। आप देखिए, देश में सूचना का अधिकार, मनरेगा, फूड गारंटी बिल, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो मेरा तो जो गारंटी है वो टेस्टेड है। लेकिन इन जुमलोबाजों की जो संकल्प है, जाइए बताइए, देश में 55 से 60 हजार संकल्प लिए हैं, उसमें कितना पूरा किया है, इनके दोनों प्रवक्ताओं से पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए इस पे जवाब ले लेंगे। भाजपा के पास, आजसू के पास जाएंगे। वीणा यादव, माफ कीजिएगा, वीणा कुमारी जी, मेरी आवाज मुझे रिटर्न आ रही है, एक बार देख लीजिएगा टेक्निकल टीम। मुझे सुनाई नहीं दिया, कमल ठाकुर जी ने क्या कुछ कहा, मैं सुन नहीं पाई। चलिए वीणा कुमारी जी के पास जाएंगे। वीणा जी, जैसे कि आज 9 संकल्प और 30 गारंटी आजसू पार्टी ने घोषित किए हैं, क्या लग रहा है कि क्या कुछ अलग है? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जब इंडिया गठबंधन अलग अलग, चाहे राजद की बात कर ले या फिर टीएमसी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, अलग अलग जब घोषणा पत्र जारी कर रही थी, तब ये सवाल उठ रहे थे कि गठबंधन है तो फिर अलग अलग घोषणा पत्र क्यों। अब यही चीज तो सवाल आप पर भी घूम कर आ रहा है कि सहयोगी दल है एनडीए के, फिर भी एक घोषणा पत्र नहीं है, दो दो घोषणा पत्र है। जी,
आदेशों का जो घोषणा पत्र है वो अलग से नहीं है, उससे बीजेपी और आसू और जो अन्य दल है उसका उसका ही मिला हुआ घोषणा पत्र सुरेश जी पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नौ संकल्प अपना पढ़े हैं और बीजेपी का नहीं पढ़े हैं। केंद्रीय गठबंधन ने क्या संकल्प पत्र जारी किया उसने आदेशों की क्या हमने अलग से कहा पढ़ा है और हम आजादी को अलग किए हैं, सुरेश जी उसको अहम भूमिका निभाए हैं। तो वो जब संकल्प पत्र पढ़ रहे थे ना तब ऐसा लग रहा था कि राज्य को अलग करने के लिए अलग करने वाले हैं आदि के पास, जो झारखंड के लिए सपने होने चाहिए वो सपने वो आज पढ़ रहे थे। ऐसा आज हमारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ है इन लोगों को बहुत निराहत है, क्योंकि पिछले बार जब ये संकल्प पत्र जारी किया था तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी संकल्प पत्र पढ़े थे, वो संकल्प पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए इस बार खड़गे जी को अपना आकर मोर्चा संभालना पड़ा। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के होते हुए खड़गे जी संकल्प पत्र पढ़ रहे हैं, आपको इससे मालूम इन लोगों के बीच में इस चीज का शर्मिंदगी कह लीजिए कि इन लोगों ने अपना संकल्प पत्र में से एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। चलिए कमल जी को जवाब देना चाह रहे हैं, कमल जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा फिर राजश्री जी के पास जाएंगे। हम लोग जो संकल्प गारंटिया लाए साथ, जो मेरा महागठबंधन गठबंधन है उसके सारे साथी थे, जेएमएम था, आरजेडी और माले और कांग्रेस, चारों दल के नेता एक मंच पर बैठ के उस गारंटी को जनता के बीच में ले गए। और आप कहिएगा कि हम, अरे तो आप अलग अलग कर ही रहे हैं तो जनता तो समझ ही रही है कि आप अलग अलग हैं। आपका मुद्दा कुछ और होगा, जेएमएम आसू का मुद्दा कुछ और है, बीजेपी का मुद्दा कुछ और है। आप सोच लीजिए कि बीजेपी के 67 उम्मीदवारों में से एक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो इसका एजेंडा समझ लीजिए इनका। ठीक है, चलिए बीजेपी के पास जाएंगे राजश्री जी। ऐसे तो वीणा जी कह रही है कि अलग अलग नहीं है, एक ही है, और क्योंकि एक ही एनडीए है इस कारण से जो घोषणा पत्र है वो भी एक ही है, लेकिन घोषणा पत्र में आजसू के कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शायद बीजेपी के संकल्प पत्र में नहीं है, चाहे स्थानीय नियोजन नीति की बात कहें या फिर जातीय आधारित सर्वेक्षण की बात कहें, 1932 खातियान की बात कहें, इन सब चीजों की बातें जो है आजसू कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है लेकिन गठबंधन कर रही है। देखिए पहली बात तो कि ये एनडीए की का घोषणा पत्र, हम इसे कहेंगे संकल्प पत्र, तो ठीक है स्वतंत्र पार्टी है, पर घोषणा पत्र में उनका ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य के विकास में बाधक है। और हम हमेशा, हमारे सहयोगी गठबंधन है एनडीए में, हम हमेशा जो हमारे साथ होते हैं हमारे राज्य के विकास की बात करते हैं, चाहे वो कोई पॉइंट उधर हो कोई पॉइंट इधर हो, उससे उतना इतर महत्व नहीं रखता। ये महत्व रखता है कि हम राज्य के विकास में पूरी निष्ठा के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कौन सा वादा पूरा करते हैं। तो जहां तक हमारे जो वर्तमान सरकार की जो उपलब्धियां हैं कहेंगे या नाकामियां हैं कहेंगे, वो तो पूरा पूरी जनता देख रही है कि कौन से वादों को उन्होंने पूरा किया। ऐसे कई चीज है जो हम रोज रोज चैनल में बोलते हैं और कई बार आप भी इसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया और अब ये नए वादों की ओर चल पड़े हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि एक वोट सात झूठ, तो ये तो सात झूठ का जो घोषणा पत्र लेकर चल रहे हैं उनके बारे में कहते हैं। और जब हम ये कहते हैं तो हम इसे दो लाइनों में भी कहते हैं कि झूठे लोगों को जनता ने समझ लिया, कौन सच्चा है कौन झूठा है समझ लिया, धोखे का पुलिंदा है घोषणा पत्र, पक्के इरादों की गूंज है संकल्प पत्र। तो हमारा जो इरादा है वो संकल्प पत्र में गूंजता है और हम ये संकल्प पत्र बार बार ये पूरा करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छी पानगी भी मैं दे रही हूँ आपको कि अगर डिफरेंस तो है, संकल्प पूरा करते हैं आप ये दावा कर रहे हैं राजश्री जी, लेकिन डिफरेंस तो है ना आजसू में और बीजेपी के संकल्प पत्र में, कई ऐसी चीजें हैं, सरना धर्म कोड की बात कह ले या फिर स्थानीय नियोजन नीति की, नियोजन 1932 आधारित खातियान की जो स्थानीय नीति है उसकी बात कर ले, इसकी बात तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में नहीं रखा, आजसू ने रखा है जरूर, तो किस तरह से मैनेज करेंगे ये? तो
एनडीए गठबंधन का जो फैसला है, एनडीए गठबंधन का जो घोषणा पत्र है, उसमें जो विकास विपाधक, जो विकास विपाधक है वो तो उनके उनकी बात है, हमारा तो विकास का ही मुद्दा है और हमारे एनडीए के सहयोगी पार्टी भी यही चाहते हैं। और इसी के वानगी में दे रही हूँ कि हमारा संकल्प पत्र क्या कहा और क्या किया, इस पर एकदम स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि अगर हम पीएम आवास की योजना की बात करें तो 35,27,000 से ज्यादा पीएम आवास झारखंड को मिला है, पूरे देश की बात मैं नहीं कर रही हूँ। उसी तरह अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूँ तो 2.20 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया आयुष्मान भारत से। और इसी तरह अगर हम तीसरे कार्यकाल की बात करें तो ये किसान सम्मान योजना में 27 लाख और मोदी सरकार के तीसरे और वर्तमान कार्यकाल में 100 दिनों के अंदर किसान सम्मान निधि की 70वीं जो योजना है उसके अंतर्गत ये 30 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया। तो हमारा ऐसा कोई भी संकल्प नहीं था जो पहले था उसको हमने पूरा नहीं किया, और अभी जो हम संकल्प पत्र लाए हैं उसमें भी ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो पूरा नहीं करेंगे। इनके जो संकल्प पत्र में था कि महिला सम्मान योजना लाए, इनको याद कब आई महिला सम्मान की, 57 महीने के बाद। और हमारे जो संकल्प पत्र में जो हम गोगो दीदी योजना की बात हम करते हैं तो बस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ये 11 तारीख को जो योजना है उसका लाभ तमाम महिलाओं को मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि 50 इयर्स तक की महिलाओं को मिलेगा, 18 साल से ऊपर तमाम महिलाएं। बीजेपी दावा कर रही है कि संकल्प अगर लिया है तो विकास का संकल्प लिया है और इसे निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। कमल ठाकुर जी, जैसे कि दावा कर रही है एनडीए गठबंधन कि जो उन्होंने संकल्प लिया है वो पूरा करेगी, लेकिन आप लोगों ने जो घोषणाएं की थी पिछले चुनाव के वक्त उसमें कई कुछ कमी रह गई है जिसे पूरा नहीं किया, पूरी की पूरी कमी रह गई है। चलिए, पूरी की पूरी कमी रह गई। राजश्री जी से ये पूछ लीजिए कि इनको 2014 से 2019 के बीच का घोषणा पत्र याद है क्या इनका? 2014 से 2019 के बीच में एक भी काम किए हो वो बता पाएंगी? ये केंद्र की योजनाओं को यहाँ पर झारखंड में गिनवा रही हैं। राज्य में क्या काम किया 2014-2019 के बीच में बता दीजिए। बीच में बोलने की आदत बहुत गंदी है, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है राजश्री जी, आ रहे कांग्रेस से रुख पूरा ले लेते। मैं दोनों प्रवक्ताओं को एक ही बात बोल रहा हूँ, आईना जब भी उठाओ पहले खुद को देखो फिर दिखाओ। आपका 2014 से 2019 में जो हाथी उड़ा वो कहाँ उड़ के गया किसी को पता नहीं है, सारा भ्रष्टाचार वहीं से देश राज्य में जन्म ले दिया। और आप बताइएगा कि क्या इसमें, अरे हमने तो मैया योजना कब दिया, क्या दिया, दिया हमने दिया। आपने 2014 से 2019 में क्या किया है, एक योजना का नाम बताइएगा सिंगल। मैं चुप हूं, पहले पूछ लीजिए स्नेहा जी इनके पास 2014 से 2019 का एक योजना का नाम। चलिए राजश्री जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो अगर हम 2014 से 2019 की बात करें तो सबसे पहले हम तो रघुवर सरकार की उस बात की तारीफ करती है, तमाम महिलाएं, सिर्फ भाजपा की महिलाएं नहीं, तमाम वो महिलाएं इस बात की तारीफ करती है कि 1 रुपए में रजिस्ट्री जो किया गया उसे इन्होंने बंद किया। उसी तरह जो महिला सखी योजना जो रघुवर सरकार के कार्य में चल रही थी वो भी इन्होंने बंद किया, कृषि सम्मान योजना इन्होंने बंद किया। तो ऐसी तमाम योजनाएं जो हम लेकर आए थे उसे इन्होंने बंद किया। और ऐसी कौन सी योजना है जो केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार झारखंड के लिए वायदे किए थे वो पूरा नहीं किया, उसकी वानगी तो मेरे पास और भी पूरी पूरा आंकड़ा है, कहिए तो मैं पूरा आंकड़ा दे देती हूँ। तो कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा उदाहरण दूं जिससे यह पता चले कि केंद्र सरकार ने झारखंड जो संकल्प पत्र था उसमें कौन सा पूरा नहीं हुआ? आप झारखंड पर डिबेट करिएगा कि देश पर कीजिएगा, पहले ये तो तय हो जाना चाहिए। अभी हम लोग जो योजनाएं जो सरकार ने किया था झारखंड के लिए उसमें कौन सा योजना पूरा नहीं हुआ, पूरे के पूरे तो मैं डाटा नहीं दे रही हूँ। केंद्र सरकार कौन योजना किया था वो तो बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए। केंद्र सरकार ने अभी तो मैं थोड़ी देर पहले बताई, शायद आप
ऑडियो में आपको डिस्टर्बेंस की वजह से आपने नहीं सुना होगा, मैं पीएम आवास की बात करती हूँ, शौचालय की बात करती हूँ, किसान सम्मान योजना की बात करती हूँ और कृषि सम्मान योजना उसकी बात करती हूँ। बंद कर दिया तब अब आवास लाना पड़ा, जितने हवाई अड्डे बने हैं कर दिए तब कभी सोच। अरे आप लोग तो केवल छल कपट करने वाले लोग क्या बात करेंगे। कई योजनाएं हैं जो यहाँ पे शामिल हुई है ऐसी, ये मतलब सरकार की योजना बताइए ना, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा और इससे परिचित भी हुआ कि ये कितना चुनावी लालच कमल जी घोषणा है। कमल जी, इंडिया गठबंधन ने 7 गारंटी जो है इस बार जनता के सामने रखी है और इस बार 7 गारंटियों में से एक गारंटी 10 लाख रोजगार युवक युवतियों को नौकरी देने की बात कही गई है। पिछले बार 5 लाख नौकरियां देने की बात कही गई थी, इस बार 10 लाख नौकरियां, लेकिन जहां कमी आई इस बात को तो मानेंगे ना कि 5 लाख नौकरी जो है वादे जो किए थे वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो 10 लाख नौकरी की जो गारंटी दे रहे हैं वो किस गारंटी के आधार पर दे रहे हैं? नहीं नहीं आप लोगों को समझिए, हमने नौकरी की बात नहीं रोजगार की बात की है, नौकरी की बात नहीं है मेरा, आपके घोषणा में नौकरी आपने रोजगार की है ठीक, एक वर्ष में 25 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी और आपने दिया कितना, 11,244 ठीक है चलिए। सब जानकारी नहीं है, जानकारी आपकी टीवी डिबेट में आपकी जानकारी लेके आइए ठीक है। राष्ट्रीय कमल जी दे रहे जवाब, हाँ बोलिए कमल जी। आपने जो छोड़ के गया, 6th JPSC तक एग्जाम लिया था, मैंने 13 तक ले लिया, 36,000 करीब शिक्षकों को की नियुक्ति हो गई, ग्राम सेवा 2,500 की नियुक्ति हुई है, आप समझिए अनुमंडल पदाधिकारी 136 आदमी का नियुक्ति हुई है। आपको नहीं जानकारी है तो जानकारी लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री 2 करोड़ हरेक साल रोजगार देने वाले थे, अभी तक तो 20 करोड़ हो जाना चाहिए, दे दिए क्या? नहीं नहीं देखिए सवाल यहाँ ये है कि जो रोजगार की बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन कहाँ से लाएंगे, 5 लाख तो दिया नहीं अभी तक, 10 लाख कहाँ से लाएंगे? ग्राम गाड़ी योजना से 25 लाख तक का लोन, जिस पर कोई पेपर की जरूरत नहीं है, आप अपना लाइसेंस लेके जाइए और गाड़ी ले लीजिए, ये काम नहीं है। कौन सा हिसाब, सैया का मानदेय हम बढ़ा दिए, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ा दिए, पुलिसों का 13 महीना का मैं पेमेंट देता हूँ, आप काम गिनिएगा। मैं बता देता हूँ, किसानों का 2,01,77,000 किसानों का 2 लाख रुपया हमने ऋण माफी की, 1 रुपया में 5 एकड़ जमीन का हम इंश्योरेंस करते हैं, 200 यूनिट बिजली जनता को फ्री में हम दे रहे हैं, जसपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना में बच्चों को दे रहा हूं, सावित्री बाई फुले योजना जो है 8 से क्लास से 12 साल की बच्चियों को मैं 40,000 देता हूँ, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से विदेश में पढ़ने का सुविधा दे रहा हूँ। अरे कितनी योजना गिना है जो धरातल पर, मैया योजना तो इन लोग के गले की हड्डी बन गई है। आप गोगो अगर देंगी भी तो 2100 देंगी, मैं तो 2500 का घोषणा कर चुका हूँ, तो मैं आ रही हूँ। चलिए महिलाओं की जो योजना है इसे लेकर तो तमाम राजनीतिक पार्टी जो है एक ही तरह के दाव खेल रहे हैं, बस नाम बदल दिए गए हैं। वीणा जी चलिए आपके पास जाएंगे, अब नारी सम्मान योजना जो आंसू लेकर आ रही है उसमें 2500 रुपए देने की बात कही गई है, यहीं पर अगर देखिए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना के नाम से 2100 रुपए, वहीं बीजेपी गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए दे रही है, माफ कीजिएगा मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने की बात कह रही है इंडिया गठबंधन। तो आंसू से ये सवाल है कि जब गोगो दीदी योजना बीजेपी ला रही है और उसमें 2100 रुपए देने की बात कही गई है, आजसू ने नारी सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए देने का जो वादा किया है किस आधार पर किया? 300 रुपए जो आप बढ़ा कर देंगे किस आधार पर देंगे, क्योंकि आप तो सहयोगी दल है बीजेपी के, तो आपस में बात हुई है क्या इससे लेकर? नेहा जी अतिथियों ने क्या कहा मैं सुन नहीं पाई, मुझे साउंड ही नहीं आ रही थी, तो मैं सिर्फ आपके सवालों का ही जवाब दे पाऊंगी। ठीक है ठीक है।
मैं कुछ भी सुन नहीं पाई कि ये लोगों ने क्या ठीक कहा। है, टेक्निकल टीम से गुजारिश रहेगी कि एक बार चेक कर लिया जाए वीणा जी की जो दिक्कतें आ रही है उसे। ठीक है, मैं कुछ भी सुन ही नहीं पाई उन लोगों का। जी जी, जहाँ तक बात हमारे घोषणा पत्र में आज की सुप्रीमो ने क्या चीजें आज या पार्टी ने क्या घोषणा किया, इस पर बीजेपी की तरफ से कोई विरोध आपने सुना क्या? दोनों ही पार्टियों के बीच में कुछ सहमति बनी होगी कि ठीक है आपकी बनी है ना, हमारे बीच में कोई नहीं है कहीं से कोई है। तभी तो घोषणा पत्र जारी होने के बाद से बीजेपी के तरफ से कभी भी कोई भी बड़ा बयान छोटा बयान आपने सुना क्या? हम लोग शुरू से ही बस एक चीज पर है, अटल है। सुरेश जी का शुरू से ये ध्येय रहा है कि हम की महिलाओं के लिए काम करें। आपकी पार्टी में हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की पार्टी है, बस नेतृत्व हमारे भाई कर रहे हैं, तो इसलिए महिलाओं का कहीं से भी कोई योगदान ना हो और उनके लिए कोई घोषणा पत्र में जगह ना हो। देखिए अभी आपको को 10 सीटें मिली है, आपको कितने सीटें महिलाओं को दी? 3 सीटें महिलाओं को दी, 2 सीटें ऐसी महिलाओं को दी है जिनका कोई मतलब सहारा भी नहीं है, उनका एकदम परिवार भी अत्यंत गरीब परिवार से आ रही है, हमारी जो डुमरी की नेत्री है यशोदा देवी जी। तो आज से शुरू से महिलाओं के लिए कृत संकल्पित है और आप धैर्य रखें, हम सरकार में आएंगे तो जिन घोषणाओं के साथ आ रहे हैं ना उन घोषणाओं को जरूर पूरा करेंगे हम झारखंड की तरफ। ठीक है, घोषणाओं को पूरा करेंगे ये दावे तो कर रहे हैं, लेकिन घोषणाएं तो देखिए एक ही सहयोग एक ही गठबंधन के हिस्सा होके अगर दो तरह की घोषणा करेंगे तो पब्लिक किस पे भरोसा करेगी? आप 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आपके मुख्य सहयोगी अगर बात करें जिनके आप मुख्य सहयोगी है बीजेपी वो 2100 रुपए देने की बात कह रही है, तो पब्लिक आखिर क्या करे, किसे चुने? पब्लिक जो है ना वो एनडीए गठबंधन से भरोसा करेगी ना कि पब्लिक को इन चीजों से, कि 2 महीना पहले आप गोगो दीदी योजना लेकर आते हैं और जब अगला गठबंधन वो 2100 देते हैं तो आप 2500 बढ़ा वाली जनता, क्योंकि पता है कि महिलाओं ने जेएमएम ने क्या किया 5 साल, एक महिला आयोग भी दे नहीं पाए, महिलाओं के लिए महिला आयोग नहीं देना पाए, अनुसंख्यक आयोग नहीं बना पाए, मतदाता आयोग नहीं बना पाए, इस पर क्या भरोसा करेगी जनता? जो है एनडीए गठबंधन पर विश्वास करेगी। और जहाँ तक योजना घोषणाओं की बात है तो चुनाव के बाद हर योजना और हर घोषणा पे हम लोग जरूर काम करेंगे और विश्वास के साथ काम करेंगे। लेकिन वीना जी 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति सरना धर्म कोड ये सब की बातें तो बीजेपी ने नहीं की है ना, ये सब की बातें तो सिर्फ आजसू कर रही है। मैंने क्या कहा कि जो घोषणा पत्र पहले बीजेपी 25 योजना 25 मुख्य अभिंदुओं के साथ घोषणा की थी, उसके बाद आजसू को अपनी घोषणा पत्र बनाने की स्वतंत्रता बीजेपी ने दी है, तभी घोषणा पत्र बना है। ये हमारा कहीं से भी अंदर से कोई लड़ाई है या हमें कोई विरोध है ऐसा कुछ नहीं है। आजसू को ये दिया गया था अधिकार कि आप भी अपने राज्य के लिए, बिल्कुल अधिकार है, अधिकार तो होगा ही, गठबंधन का हिस्सा है तो अधिकार तो होगा ही, लेकिन अगर सरकार बनती है हमने राज्य को लड़के अलग किया है, राज्य के प्रति हमारे सपने नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए ना अगर सरकार बनती है तो खुद ही सोचिए मैनेज कैसे होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो 2100 रुपए की बात की है, आप 2500 की बात कर रहे हैं, सरना धर्म कोड और स्थानीय नीति की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी नहीं कर रही है, तो किस तरह से मैनेज होगा अगर सरकार बनती है? तो बीजेपी ने मना नहीं किया ना कि आधारित जो आज सुने घोषणा उसके साथ हम नहीं जाएंगे, बीजेपी ने ऐसा कहीं कहा? चलिए ठीक है, कमल जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं। राजश्री जी आ रहे हैं आपके पास, कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमल जी को बात पूरी कर लेने जाए। दोनों दलों में समन्वय नहीं है, दोनों की राहें अलग है, बीजेपी जातीय जनगणना नहीं चाहती है, आप तो चाहती है, बीजेपी 2100 रुपया देगी ये 2500 देगी, बीजेपी को सरना कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, इनको स्थानीय नीति से कोई लेना देना है, लेकिन आंसू को मतलब है, इनकी राहें जुदा अभी से हो चुकी है, इनकी राहें जो है अभी से जुदा हो गई हैं, अब ये केवल दिखावा के लिए एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी स्थिति लोगों की ठीक नहीं है, कोई भी बड़ा नेता क्यों सवाल उठाएगा आपका? लेकिन वीणा जी तो कह रही है कि स्वतंत्रता मिली है बीजेपी की ओर से तभी ये घोषणा की गई है, आप कह रहे राहें अलग हो गई है, तो देखिए जातिगत सर्वेक्षण तो वैसे कांग्रेस सपोर्ट करती है इसको, आजसू अब ले रही है तो आप लोग तोड़ के ले लीजिए फिर आजसू को अपनी ओर।
है ना, हम लोग ये काम नहीं करते हैं, हम लोग चोरी से सरकार नहीं बनाते, हम लोग डाका नहीं डालते हैं, ये बीजेपी का काम है। पिछले 5 साल यहाँ की सरकार को अस्थिर करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया लोग, महाराष्ट्र को लूट लिया, पिछला बार मध्य प्रदेश को लूट लिया, गोवा लूट लिया, तो इनको लूटने की आदत है। हम लोग इस तरह का काम नहीं करते, हम लोग गांधीवादी आदमी है, हम लोग झूठ बोलने पर विश्वास नहीं करते हैं, सच बोलते हैं। ये लोग गोडसे वाले लोग क्या बात करेंगे, जो जो हिंसक लोग है ना, गोडसे वादी लोग हिंसक होते हैं। चलिए ठीक है, राजश्री जी, राजश्री जी आपके पास आएंगे। आपने सुना कमल जी को, जैसे कि कहा कि दो राहें जो है अलग हो गई है, गठबंधन है लेकिन राहें जो है अलग नजर आ रही है घोषणा पत्रों के द्वारा। और जैसे कि आज सुने जातिगत सर्वेक्षण की बात अपने संकल्प पत्र में की है, ये चीज तो कांग्रेस इसे सपोर्ट करती थी, कांग्रेस ने ही इसे तुल दिया था एक प्रकार से कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कांग्रेस की ओर ही चला गया ना जातिगत सर्वेक्षण को लेकर। राजश्री जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार दोबारा बोलिएगा मैम। मैं बोल रही हूँ 2500 रुपए की बात हुई थी, जो 2500 रुपया जब घोषणा की बात हुई, घोषणा करने की, तो लास्ट कैबिनेट जो हुई थी उस समय कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, और उस समय ये कौन मना किया था कि 2500 रुपया आप घोषित मत करिए, तो उन्होंने उस समय नहीं किया क्योंकि जस्ट एक टालने की बात थी। और अभी आपने प्रश्न पूछा कि जो इनके घोषणा पत्र है आजसू के और हमारे संकल्प पत्र में, तो मैं ये बार बार आपसे कह रही हूँ कि एनडीए में कोई भी ऐसा काम जो एक दूसरे के इससे मन के मुताबिक नहीं हुआ है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कोई राहें जुदा नहीं है, हमारी राहें भी एक है, हमारा मंजिल भी एक है कि राज्य का विकास किस तरह हो। लेकिन जातिगत सर्वेक्षण पर क्या कहेंगी, इसका संकल्प पत्र में तो जिक्र नहीं है बीजेपी के, लेकिन आजसू के हैं, ये तो वो तो फिर वक्त आने पर बताएंगे उस समय क्या करना है। चलिए वीणा जी कुछ कहना चाह रही, वीणा जी आपसे रुक ले लेंगे। भविष्यवाणी ये कर रहे हैं ना चैनलों के, इनको बंद करने देना चाहिए, भविष्यवाणी बंद कर दिया जाए। हमारे अंदर में क्या कला है आप बताइए, कि आपने रांची विधानसभा में आपका ही आपके पार्टी का कोई नॉमिनेशन कर लेता है, आप लोग मानते रहे, आपको सीट नहीं मिली, आप लोग अंतिम तक सीट की घोषणा नहीं कर पाते हैं, और हमको एनडीए गठबंधन को सिखाने आ जाते हैं कि हमारे हमें अंदरूनी कला है। आप कह रहे हैं कि हमने आपकी महिला प्रधानमंत्री पढ़ी रही है ना इंदिरा गांधी जी, क्या किया आपने महिलाओं के लिए, सिर्फ गांधी परिवार की महिलाएं पढ़ेंगे, जन्म है तो सिर्फ सोनम सोरेन की परिवार पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप लोग पूरा लूट लुटा के रखे हैं 5 सालों में, 7 साल तक भारत को लूटने का काम किसने किया, कांग्रेस ने किया 7 साल, इनको ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारी महिला प्रथम प्रधानमंत्री बनी, हमारे यहाँ से प्रथम पहला राष्ट्रपति हमने बनाया, लेकिन आपने जिन्हें महिलाओं को कहा निर्णय दिया, आपसे तो राज्य विधानसभा में साधारण सी महिला योजना मिली आपको राज्य विधानसभा में, 4 साल और राज्य जी का 1 साल बचा हुआ है, फिर भी आप लोग उसके बाद आप काम किसने किया, कांग्रेस ने किया है, आप महिलाओं पे कोई काम नहीं किए हैं, पूरे राज्य में झारखंड में यहाँ की बच्चे नौकरी पाने के लिए मौत के मुंह में चले गए, उससे डाटा बताइए आप, जिस दिन बच्चे मरे समाज के उससे कोई बोल रहा है, तो बात कर रहा है लूटने की बात करते हैं, पूरे झारखंड में अराजकता फैली हुई है इनकी वजह से। चलिए जवाब ले लेंगे कमल ठाकुर जी से। परिवारवाद पर जब ये लोग बात करते हैं ना, तो महसूस होता है कि आसाराम बापू महिला सम्मान पर बात कर रहे हैं, सुदेश महतो लड़ेंगे, दीपी चौधरी लड़ेंगे, उनकी पत्नी लड़ेगी, उनके भाई लड़ेंगे, ये परिवारवाद नहीं है। रघुवर दास लड़ेंगे, परिवारवाद नहीं है। बघमारा से धुलू महतो के भाई लड़ेंगे, परिवारवाद नहीं है। आपका फिर चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, ये परिवारवाद नहीं है, इनके यहाँ परिवारवाद तो है ही नहीं।
इलों को केवल गांधी परिवार में परिवारवाद दिखता है। तो इनके इनके जो बात से बताइए, अमित शाह के बेटा सचिव बने हैं बीसीसीआई के, वो परिवारवाद नहीं है। पीयूष गोयल परिवारवाद नहीं है, अनुराग ठाकुर परिवारवाद नहीं है, कितना परिवारवाद गिना दिया जाए। लेकिन ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग चक्रव्यूह रचते हैं कि जनता को कैसे जाल में फंसाना है। लेकिन इस बार जनता जो है ना एकदम सक्षम है और इनके तरफ देख रही है कि इनको कैसे भगाना है। और एकदम निश्चिंत रहिए, 23 नवंबर को फिर से यही सरकार बनेगी और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए वीना जी, इस पर जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर आखिरी स्टेटमेंट राजश्री जी से लेंगे। चलिए, उनकी जानकारी, झारखंड की जनता जाग गई है, परिवारवाद की बात करते हैं। आपको आपको 3 महीने का तुरंत जाने का विधानसभा खाली कराए तो चुनाव करवा लेते हैं। क्या आपस पार करी थी, छह महीना बाद चुनाव लड़ रहे थे? नहीं, तुरंत को विधायक बनाना था। परिवारवाद की बात करते हैं आप, तो बताइए कि सीतारमण जी को आपने मुख्यमंत्री कोई मंत्री पद नहीं दिया, मंत्री मुख्यमंत्री होने चाहिए। और अगर बड़े पद होते हैं तो परिवार के मुख्यमंत्री थे, क्यों हटाया आपने उनको 5 महीने के कार्यकाल में? उन्होंने पूरे झारखंड के लिए अच्छी नीतियां लेकर आई थी, लेकिन उन नीतियों को आप चलने नहीं दिए, उनको ये वजह का हटा दिए। परिवारवाद नहीं करते हैं आप झारखंड में, आपका जनरल परिवार में कोई एक बेरोजगार मुझे बता दीजिए जो की आपका राजनीति में नहीं है, एक बेरोजगार बता दीजिए। हो सकता है इस बार आपने कोई नाबालिगों का भी नॉमिनेशन करा दिया, बच्चों के अगले तो चुनाव लड़ेगा, एक आदमी है परिवार में चुनाव नहीं लड़े हैं, वो राजनीति में नहीं है। बेरोजगार सुधीर जी की बात करते हैं तो सुधीर जी के यहाँ कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? सुधीर जी लड़ रहे हैं दिल्ली से और सीता चौधरी लड़ रही है। चलिए ठीक है, आपका ये जो है ठीक है, आखिरी स्टेटमेंट राजश्री जी से लेंगे। राजश्री जी, जैसे कि तमाम दावे हैं आपकी ओर से भी और आपके जो विपक्ष है उनकी ओर से भी, लेकिन जो संकल्प बीजेपी और आजसू लेकर आगे बढ़ रही है, आजसू के 9 संकल्प और बीजेपी के 25 संकल्प मिला ले तो कुल 34 संकल्प हो जाते हैं, क्या लग रहा है सारे जो संकल्प जो वादे आप लोग पेश कर रहे हैं, जनता फिर से आपके सत्ता वापसी की राह खोलेगी? कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा ना कि यहाँ आदिवासियों की जिला कमेटी के अध्यक्ष भगत जी को तुरंत माइक से उनका माइक ले लिया जाता है, उनको बात पूरी नहीं की जाती है, मंच में उनका अपमान किया जाता है और ये आदिवासी हितैषी की बात करते हैं। लोहरदगा के जिला अध्यक्ष को बात पूरा करने नहीं देते हैं इन लोग, क्योंकि एक साधारण परिवार से आदिवासी परिवार को बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पूरे झारखंड ठीक है, आदिवासी ठीक है, आदिवासियों पर बात कर रहे हैं वीना जी। चलिए राजश्री जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आदिवासी हितैषी होने की बात देखिए, आदिवासी हित पे वीना जी भी कह रही हैं, आप ही के सहयोगी दल हैं और बीजेपी जो है शुरू से ये आदिवासी के हित पे कहती आई है और एक प्रकार से गठबंधन महागठबंधन पर निशाना साधते आई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपके घोषणा पत्र की अगर बात की जाए, यूसीसी लागू करने की बात की गई है, लेकिन यूसीसी जो है आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, तो क्या ये मान ले इसे आदिवासी, क्योंकि ये वोट साधने का एक तरीका कह सकते हैं, क्योंकि यूसीसी अगर लागू होना है तो नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन आदिवासियों को इससे एक्सक्लूड किया जा रहा है क्योंकि वोट खींचा जा सके। राजश्री जी से सवाल है, राजश्री जी सबसे पहले तो ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि यूसीसी जो है वो उसे आदिवासी की जो परंपरा है जो संस्कृति है उसे थोड़ा उसे अलग रखा गया, उसका कारण भी है ना, आदिवासी यहाँ बहुत पहले से ही रह रहे हैं और उनमें कोई बात ही नहीं हो रही, ये बात हो रही है घुसपैठियों की। तो घुसपैठियों को जिस तरह से घुसपैठी स्वागत योजना जो इन्होंने बना रखा है, जो हमारी सरकार है और कांग्रेस के गठबंधन और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से इसको बना रखा है घुसपैठी स्वागत योजना, उसके खिलाफ है और हमारे खिलाफ होने से कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं है। उस माननीय हाईकोर्ट ने भी उसको पुख्ता एक स्टाम्प लगा दिया कि हाँ ये प्रतिशत पड़ा है और इनकी आदिवासियों की घटी है। तो इस परंपरा को निर्वाहन करने के लिए हमें ये जरूरी भी है कि हम यूसीसी से उनको बाहर रखें।
ये वोट साधने की बात नहीं बल्कि उनके उनके भलाई के लिए ये किया जा रहा है। चलिए, तमाम दावे हैं सभी राजनीतिक दलों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि संकल्प और गारंटियों की लड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं सभी राजनीतिक दल, और झारखंड विधानसभा चुनाव में अब देरी नहीं बची है। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और इसे लेकर सारे राजनीतिक दल रेस है। सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र जनता के सामने रखा है, लेकिन अब जनता को डिसाइड करना है कि किसके पक्ष में वो वोट करेंगे। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहे रफ्तार मीडिया। नमस्कार।